दोस्तों जी बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट तुसी 30 दिनों के अंदर अंदर बनवा लेने हो जन्म तो बाद तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है जन्म सर्टिफिकेट बनवाने विच, पर जिवें ही 1 साल जां 1 साल तो ज़्यादा का टाइम हो जाता है फिर थोड़ी जी दिक्कत का सामना करना पैंदा है, बट थोड़ा टाइम लगता है पर यह सर्टिफिकेट बन जरूर जाता है। अज की वीडियो में पूरी इनफॉर्मेशन देवांगा, तुसी लेट जे जन्म सर्टिफिकेट बना रहे हो 1 साल जां 1 साल तो ज़्यादा का टाइम हो गया है तो सर्टिफिकेट बनवा रहे तो वो किमें बनाना है। जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, वीडियो में लाइक कर लो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों सब तो पहले आप जो इंपोर्टेंट डाकूमेंट ने वो कि जान लें, अच्छा आप चेक कर सकते हैं जन्म सर्टिफिकेट लेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। तो मेन गल करिए आप जे तुसी 1 साल के अंदर बना रहे हो बच्चे के जन्म तो बाद 1 साल हो गया है तो हूँ अप्लाई कर रहे हो तो ये जिहड़े जरूरी डाकूमेंट ने तुहानूं मैं डिटेल दस दिंदा किहड़े किहड़े ने। इस तों बाद मैं तुहानूं डिटेल दसांगा जे 1 साल तो ज़्यादा का टाइम हो गया बर्थ सर्टिफिकेट जन्म हो ही नूं तो फिर तुसी अप्लाई कर रहे हो तो यह डाकूमेंट ने थोड़ा जिहा डिफरेंस है दोस्तों। तो सब तो पहले आप गल कर लेने कि 1 साल के अंदर जे तुसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो सब तो पहले अपन जो फॉर्म की जरूरत पैंती है वो मैजिस्ट्रेट या नोटरी वालों अटैस्ट एक एफीडेविट अपन तैयार करवाना पैंता है दोस्तों। अपन ये प्रूफ देना होंगे कि जी मैं प्रूफ ला रहा आपके जन्म के वह बिल्कुल सही ने, तो नोटरी वालों जो एफीडेविट तैयार करके तुम्हें दिता जाता है। मोस्टली इसका 50 रुपये खर्चा आता दोस्तों एफीडेविट बनवाने का। सैकंड नंबर की गल करिए दोस्तों एक फॉर्म नंबर 1 आता है जन्म सर्टिफिकेट वास्ते, मैं तुम्हें दिखा भी दिना किस तरह का होंगे ये दोस्तों। इतने आप चेक कर सकते इस तरह का फॉर्म होंगे फॉर्म नंबर 1 जो अपन भर के नाल लाना पैंता है। तो वीडियो के एंड में तुम्हें दसागा तुम किमें डाउनलोड कर सकते हो तो किमें इसका प्रिंट कढ़वा के इसका यूज़ कर सकते हो। एक बार फॉर्म देख लो नॉर्मली डिटेल दोस्तों इस भरनी होंगी, जो फिर भी कोई दिक्कत आऊगी तो फॉर्म भरने में तो वीडियो में कमेंट कर दो या अपना व्हाट्सएप नंबर मैं सेंड कर दो, मैं तुम्हें क्लीयरली समझा देंगा कि किमें यह फॉर्म। तो थर्ड डाकूमेंट की गल करिए दोस्तों अपने को एक सबूत होना चाहिए जिथे भी बच्चे का जन्म हुआ सी नॉर्मली उतों अपन जोड़ा ये बायोडाटा मिल ही जाता है कि जिते बच्चे का जन्म होता जोड़े भी हस्पताल उन्होंने को पूरी डिटेल होंगे तुम जाओ और अपनी डेट ऑफ बर्थ दसो तो वह कट के तुम रिसिप्ट देने एक तो वो प्रूफ के रूप में अपन चाहिए है। जे अपने को नहीं होंगी है तो अपने को नर्स टीकाकरण का जोड़ा कार्ड हों एक कॉपी भी आप ला सकते हैं इस फॉर्म के नाल। इस तो इलावा आपको एक नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जेडे कि सुविधा केंद्र में है। जे थोड़ी जो है सर्टिफिकेट बना रहे हो तो 1 साल के अंदर बना रहे हो तो इसकी 50 रुपये फीस होंगी है, जो 1 साल तो बाद बना रहे हो तो इसकी 100 रुपये फीस तुम्हें देनी पेगी सर्टिफिकेट बनवाने वास्ते। इस तो इलावा दोस्तों आपको विटनेस के तौर पर सरपंच MC या गजट ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने पैणगे। ये जी डिटेल से जो तुम बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर तुम जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो अप्लाई कर रहे हो तो यह जो सबूत या प्रूफ की आपको जरूरत पड़ेगी। हम गल करते हैं आप जो बच्चे के जन्म के 1 साल तो बाद जो जन्म सर्टिफिकेट वास्ते अप्लाई कर दैन आप प्रूफ की जरूरत पवेगी। सबसे पहले आप इतने चेक कर सकते हैं ID या रेसीडेंस प्रूफ जो भी अप्लाई कर रहे हैं आपके जन्म सर्टिफिकेट वास्ते। नंबर की गल करिए सैल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म होंगे उससे आप सिग्नेचर करके ना लाना पैंता है। ये थर्ड की गल करिए दोस्तों 2 विटनेस चाहिए है सरपंच MC या गजट ऑफिसर आप सिग्नेचर करवाने हैं। तो नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट जोड़ा कि सुविधा केंद्र थोड़ा बन जाएगा मैच 50 या 100 रुपये के प्राइज़ में। ये गल करिए दोस्तों एक अपन प्रूफ चाहिए होंगे बर्थ सर्टिफिकेट का, जब आप हॉस्पिटल में रिसिप्ट लियानी पवेगी या अपना टीकाकरण का जोड़ा कि कार्ड बनया हों उसका अपन फोटोकॉपी चाहिए। जो 1 साल तो बाद बड़े बच्चे जोड़े अप्लाई कर रहे हैं इसमें जिन्हों का स्कूल सर्टिफिकेट या कोई भी होर आधार कार्ड या वोटर कार्ड कुछ भी बनया हो भी इस विच आप ला सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ। 6 नंबर की गल करिए दोस्तों जेडे भी आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसके जो सिस्टर या ब्रदर ने उन्हों का जोड़ा कि स्कूल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी की जरूरत पड़ेगी तो जिस बच्चे उन्हों का फादर नेम सेम नेम जोड़ा मैनशन होना चाहिए है। डेकोरेशन फॉर्म है तो दोस्तों इस फॉर्म के नीचे ही मिल जाएगा, इसे आप सिग्नेचर कर देंगे तो उस तो बाद करना कुछ नहीं है। ये 2 विटनेस जो अपना MC या गजट ऑफिसर से साइन कराने इस फॉर्म से आप करवाने ने उन्होंने मोहर जरूरी है लगवाने। तो नैक्सट बाकी सैल्फ डेकोरेशन फॉर्म थोड़े सामने है, इस तरह का आप फोटो लगा के मेन मेन डिटेल जी आप फिल करके इस फॉर्म के ना लगा के आप सुविधा केंद्र में जाके जमा करवाएंगे। दोस्तों जो कोई भी सवाल थोड़ा इस मन में वीडियो में कमेंट करो, मैं थोड़ा हेल्प करने की जरूर कोशिश करूँगा। तो बेनीफिशियल लगी है जो वीडियो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, थोड़े सपोर्ट दिखूंगे बहुत।
और दोस्तों रही गल जी डाउनलोड किमें करना फॉर्म तुम जमा डाउनलोड करने थोड़ा जरूरत नहीं है तुम बस सब तो पहले सा चैनल सबसक्राइब करना उस तो बाद अपना वट्सएप नंबर कमेंट में लिखना है तो मैं तुम्हें यही फॉर्म है जो वट्सएप नंबर उपर सेंड कर देंगे तो इतों प्रिंट कढ़वा के इसका यूज़ कर सकते हो।